या कोरोना कालखंड में भी आप लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो पाठ्यक्रम आपको देखने को मिले होंगे उनके माध्यम से भी आपने देखने और सुनने का अवसर आया होगा। आप सभी ज्यादातर यहाँ पर जो बच्चे होंगे ये सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए बच्चे हैं। तकनीक कैसे हमारे लिए सहायक हो सकती है और उस तकनीक के माध्यम से हम एक सामान्य नागरिक के जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, यह आज विभिन्न योजनाओं का लाभ जो जनता को मिल रहा है उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन की दुकान एक सामान्य रूप से गांव में मानी जाती थी और आज भी चल रही है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर राशन की जो दुकानें थी यहां पर ज्यादातर में भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी। उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे थे जिनकी पहले से जांच चल रही थी, जहां पर खाद्यान्न एक कॉमन मैन को, एक गरीब को नहीं मिल पाता था। एफसीआई गोदाम से उठने के साथ ही गोदाम से उठने के साथ ही वह खाद्यान्न प्रदेश के बाहर पहुंच जाता था, दूसरे देश तक पहुंच जाता था, गरीब देखता रह जाता था। भूख से मौतें होती थी आपके कुशीनगर में, गोरखपुर में भी मौतें हुई थी, देवरिया में हुई थी, कई अन्य जनपदों में भूख से मौतें होती थी और सरकारें कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि माफिया बहुत सशक्त था, बड़ा समर्थ था। २०१७ में जब मैं आया था उससे कुछ दिन पूर्व ही जनवरी और दिसंबर 16 और जनवरी 17 में प्रदेश के कई जनपदों में भूख से मौतों का समाचार मिला था, तो मैं वहां गया था, उन परिवारों से मैं मिला था और उन परिवारों से मिलने के बाद मैंने उनसे पूछा था, मैंने कभी आपको राशन कार्ड नहीं मिला है, क्योंकि मैं तो सांसद था गोरखपुर से लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं था। कुशीनगर में मौतें हुई थी, सोनभद्र में हुई थी, चित्रकूट में मौतें हुई थी, तो मैंने उन लोगों से पूछा भाई आपको क्या राशन कार्ड नहीं है आपके पास? उन्होंने कहा नहीं सर। रिकॉर्ड में उनके नाम पे राशन कार्ड था लेकिन उनके नाम पे राशन कोई और ही ले लेता था और राशन बिक जाता था। मार्च 2017 में, 19 मार्च 2017 को मैंने प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लगभग 10 मार्च के आसपास मैं गोरखपुर आ रहा था दिल्ली से, तो गोरखपुर की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, मैं गोरखपुर से लखनऊ और लखनऊ से मुझे बाई रोड आना था, तो मैं लखनऊ आया तो उसी फ्लाइट से उत्तर प्रदेश के खाद्य के प्रमुख सचिव यात्रा कर रहे थे, हम दोनों की फ्लाइट में अगल बगल सीट थी, तो मैं अपनी सीट में बैठा, मेरा कोई परिचय था भी नहीं उनसे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई, वो मुझसे अपना परिचय उन्होंने दिया, अपना उन्होंने कार्ड मेरे सामने बढ़ाया, कहा साहब मैं प्रदेश में प्रमुख सचिव खाते का, तो मैंने कहा ये सब राशन कोटे की दुकान आती के पास आती है? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा भूख से मौतें क्यों हो रही? उन्होंने कहा नहीं भूख से कोई मौत तो नहीं हो रही है। व्यक्ति नगर जा रहा था लेकिन मैं तो मौके पे गया ही था। उसके 8वें 9वें दिन मैं ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। तो मैंने मैंने एक बैठक ली और बैठक लेकर के मैंने एक व्यवस्था बनाई। मैंने कहा एक काम करो भाई, एक दिन में 80,000 राशन कोटे की दुकान प्रदेश में है, इन सब का एक रिकॉर्ड तैयार करो और एक ही दिन में इन सब क्या छापेमारी कर दो। 30 लाख फर्जी राशन कार्ड मुझे मिले थे, 30 लाख
जो गरीबों के नाम पे बनाए गए थे लेकिन उनके नाम पे राशन निकलता था, लेकिन राशन उस पात्र व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता था। और तब हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था पॉइंट सेल मशीन के माध्यम से। उसकी बड़ी बड़ी स्क्रीन हमने लखनऊ में लगा दी और लखनऊ की स्क्रीन से हम हर एक पॉइंट को चेक कर सकते हैं कि कहां पे फर्जी हो रहा है। उस मशीन के माध्यम से सारी जानकारी उससे प्राप्त हो सकती थी, कहां घटतौली हो रहा है, ना आप कम दे सकते हैं और न ही मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं। आधार से प्रत्येक राशन कार्ड को जोड़ दिया गया और हर व्यक्ति के नमूने ले लिए गए। परिणाम क्या है, आज जब भारत सरकार जांच कराती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, उत्तर प्रदेश का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा है, जबकि सबसे बड़ी आबादी और सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश के अंदर। भ्रष्टाचार पर प्रहार का सबसे बड़ा मंत्र है तकनीक, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी तकनीक को अपनाने के लिए बार बार जोर देते हैं। उस दिशा में प्रयास होना, डिजिटल इंडिया का संकल्प और ये सपना क्या साकार हो सकता है? हां, हम सबको उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। स्वामी विवेकानंद के नाम पर हम लोगों ने राज्य में इसीलिए इस स्कीम को चलाई। स्वामी विवेकानंद हम सब जानते हैं एक युवा सन्यासी थे, मात्र 39 वर्ष का जीवन उन्होंने जिया था। वैश्विक मंच पर भारत की सनातन परंपरा को प्रभावी ढंग से रखने का कार्य उन्होंने किया था। दुनिया के सामने भारत के धर्म और दर्शन को जिस सशक्त तरीके से उन्होंने रखा था, और उन्होंने केवल कहा है केवल कोगापंथी नहीं है, जो कुछ भी है ये विज्ञान से आगे बढ़ करके है। विज्ञान की सीमाएं जहां पे समाप्त होती है वहां से भारतीय दर्शन और भारतीय अध्यात्म प्रारंभ होता है। इस बात को प्रभावी ढंग से रखने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया था, और आज ये हम सबका सौभाग्य है। इसलिए प्रदेश के अंदर जब मेरे सामने आया कि इसके बारे में विभाग से कहा, मैंने कहा इस एक स्कीम को हमें बनाना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल खंड में बच्चे कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होगा, किसी को हम क्योंकि 2 वर्ष से ऐसे लगातार हो गए थे कि जब हमें परीक्षा किए बगैर हम बच्चों को पाठ अगली क्लास में प्रमोट कर रहे थे। हमने कहा क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ हम जोड़ सकते हैं? बच्चों के पास टैबलेट नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं थे, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जोड़ सकते हैं, उनके पास ये व्यवस्था नहीं थी और भी अन्य संसाधनों का अभाव था। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, स्वामी विवेकानंद के नाम पे एक स्कीम निकाली है, 2 करोड़ युवाओं को हम लोग इस योजना के साथ जोड़ेंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 20 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवा चुके हैं। आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1000 छात्रों को छात्र छात्राओं को यह सुविधा उपलब्ध हो रही है। जिन्हें उपलब्ध हो रही है उनको मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिन लोगों को अभी नहीं उपलब्ध हो पाया है वो इंतजार करें, उनको भी ये योजना उपलब्ध होगी। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, स्मार्टफोन और टैबलेट केवल आपके लिए, आपके कॉल करने के लिए, आपको मनोरंजन करने के लिए, एजुकेशन के लिए नहीं है, इससे भी आगे जाकर के आपको आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम बन सके इसके लिए भी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की वे सभी स्कीम आपको मिलेंगी जो एक युवा के लिए होनी चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा युवा शक्ति निवास करती है, और भारत दुनिया के अंदर अकेले एक देश है जिसमें 56% आबादी जहां की कामकाजी आबादी है, जो कार्य करता है, मेहनत करता है, मेहनत कश है, युवा है,
और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी 58% आबादी कामकाजी है, मेहनती है, कार्य कर सकती है, वो अपनी प्रतिभा का लोहा मना सकती है, उसको डायरेक्शन की आवश्यकता है, उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसे आगे बढ़ाने के क्रम में हम इस योजना को लेकर आए हैं। थोड़ा सा प्रयास करें, परिणाम अपने आप आने लगते हैं। परिणाम लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं बार बार इस बात को सोचता हूं कि हमारे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षण के संस्थान अपने आप में टापू बन करके रह गए हैं। वे शिक्षा और डिग्री और सर्टिफिकेट देने के केंद्र मात्र बन के रह गए, उनको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और सौभाग्य से कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी। ये केवल आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री देने का एक माध्यम नहीं बनेगी केंद्र, बल्कि अब यहां से निकला हुआ कोई भी छात्र या छात्रा जब यहां से निकलेगा तो वह आत्मनिर्भर बनकर के निकलेगा, स्वावलंबी बनकर के निकलेगा, प्रावलंबी नहीं, दूसरों पर निर्भरता नहीं, बल्कि जब वो निकलेगा तो आत्मविश्वास से भरपूर होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था आपको आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य संबोधन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ बातें कही। जब भी कोई संबोधन होता है हमारे युवाओं को चाहिए कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को नोट करें और नोट करके फिर उसको देखें, अगले दिन न्यूज़पेपर में देखें क्या है, इसका मतलब क्या है, ढूंढे, जानकारी दे। उन्होंने 5 बातें कही थी। उन्होंने कहा है आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी हमने अपनी आंखों से नहीं देखी, लेकिन आजादी के 75 वर्ष के समारोह में हम सहभागी बन रहे हैं, लेकिन यही हमारा केवल मंजिल, यही हमारे मंजिल नहीं है, मंजिल तो हमारी होनी चाहिए कि जब देश अपनी आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा 2047, तब हम कैसा भारत चाहते हैं। आपके लिए समय है, जो उम्र हमारी आज इस समय है उस समय आपकी वह उम्र होगी, और तब कैसा भारत आपको चाहिए, उस भारत के लिए उन्होंने 5 पंचप्रण की बात की। वे पंचप्रण क्या है? वे पंचप्रण हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य करेंगे। आत्मनिर्भर भारत, यह आत्मनिर्भर भारत क्या है, हम अक्सर उसको भूल जाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की बात करते थे। आप किसी पुराने गांव में जाइए जो थोड़ा अभी आधुनिकता से दूर हो, उस गांव में आप देखिए सभी प्रकार की जातियां होंगी। गांव में हर प्रकार के लोग होंगे, नहीं होंगे तो पूर्वजों ने उनको बसाया होगा, या उस गांव के इतिहास के बारे में अगर आप जाकर के देखेंगे कि जिस भी किसी जाति का होगा तो उस जाति ने दूसरी जाति के लोगों को भी कुछ 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 बसाया है, और फिर वे एक दूसरे के साथ मिलकर के उस गांव की व्यवस्था का संचालन करते थे। भारत का गांव कभी भी सरकार पर आश्रित नहीं था, सरकार पर आश्रित उसकी केवल और केवल राजनीतिक दृष्टि से रही होगी, अन्यथा वो सरकार से कोई अपेक्षा नहीं करता था। आत्मनिर्भरता का सबसे अच्छा उदाहरण भारत के गांव हुआ करते थे। गांव आप देख सकते हैं, उस गांव में हर जाति के लोग हैं, गांव में गांव का राजमिस्त्री भी है, गांव में गांव का कारपेंटर भी है, गांव में गांव का नाव भी है, गांव में मोची भी है, गांव में गांव का बढ़ई भी है, गांव में गांव का
यानी सुरक्षावादी भी हैं, गांव में गांव का पुरोहित भी है, गांव में यानी सब कुछ उन्हें, गांव में अपनी खेती बाड़ी में स्वयं करते हैं, पानी की अपनी कुएं अपनी उनके अपने हैं, बावड़ी है या तालाब है, ये सब कुछ उनका अपना है, अपनी मार्केट है, सब कुछ अपनी व्यवस्था से संचालित करते हैं। एक हमारे गांव का ही दृश्य था, ऐसा न रहा होगा, लेकिन अपनी खेती बाड़ी से जो अर्जित किया बाजार ले गए, राशन दिया, राशन के बदले अपना सामान खरीद लेके आ गए, गांव था। आत्मनिर्भरता कैसे आत्मनिर्भर होगा, ये प्रश्न मेरे सामने भी था 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, कैसे होगा। तो मुझे उस दौरान 2-3 देशों की यात्रा में जाने का अवसर मिला था, प्रदेश देश की उस समय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी, वे अस्वस्थ हो गई तो उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा कि म्यांमार में एक इंटरनेशनल बुद्धिज्म का एक समारोह हो रहा है, समिट हो रहा है, उस समिट में आप भारत की तरफ से चले जाते हैं। तो अब रंगून जाना था तो मुझे बहुत जल्दी में समाचार मिला था, तो मैंने तैयारी की, तो मैं यहां से बैंकॉक गया और बैंकॉक से रंगून की फ्लाइट पकड़ी, मैं रंगून पहुंचा। वापसी में मैंने और भारत सरकार के मंत्री मेरे साथ में थे, हम लोगों ने इसी रूट को पकड़ा, तो मैं रात्रि को बैंकॉक में रुका। गोरखपुर के काफी लोग बैंकॉक में रहते हैं, उन लोगों से मैं मिला। संयोग से थाईलैंड के उस समय के कुछ मंत्री मुझसे मिलने के लिए आए थे। एक समय थाईलैंड ऐसा था कि वो भारत से विपन्न था, गरीब था, आर्थिक रूप से कमजोर था, वहां की करेंसी भारत से कमजोर थी, आज वहां की करेंसी भारत से मजबूत दिखती है। मैंने उनसे पूछा इसके बारे में, उन्होंने एक दो मॉडल मेरे सामने रखे, फिर उन्होंने जापान के कुछ मॉडल मुझे बताए, मैं उनको लेके आया, मैंने एक टीम बनाई। तो मैंने कहा जो ये लोग काम कर रहे हैं जापान में या थाईलैंड में या दुनिया के अन्य देशों में, उससे ज्यादा संभावना है हमारे पास है। तो हम लोगों ने यहाँ पे उसी पे एक टीम लगाई थी और हमने कहा भी हर राज्य जनपद के हर प्रदेश के हर जनपद की एक मैपिंग कराओ, किसी एक प्रोडक्ट को लेकर के हम इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और तब हम लोगों ने यहां पे चलाया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक योजना। देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज देश के अंदर एक ऐसी योजना है जो भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो वो भारत के अंदर आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली एक योजना बन चुकी है। उसने उत्तर प्रदेश अकेले उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को लगभग 2,00,000 करोड़ तक पहुंचा दिया है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जिसको बीमारू राज्य कहा जाता था आज वो एक्सपोर्ट का हब बन रहा है। हर जनपद हर जिले के गोरखपुर का आप लखनऊ का देखेंगे चिकन कारीगरी, आप मुरादाबाद के ब्रास, फिरोजाबाद का ग्लास, अलीगढ़ का हार्डवेयर, मेरठ की स्पोर्ट्स आइटम, यानी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आपको खेल का कोई सामान दिखेगा तो उसमें से दुनिया के अंदर 60-75% मार्केट पर मेरठ में बनी हुई सामान का कब्जा है। बांसुरी दुनिया के अंदर आपको कहीं देखनी है तो पीलीभीत में बनी होगी, ढोलक और तबला अगर कहीं बना होगा तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में बना होगा, हमने कभी बेचा नहीं, इत्र कन्नौज में बना होगा, लेदर का आइटम ये कानपुर और आगरा में बना होगा, ये पहले भी हो सकता था, ये सभी दम तोड़ रहा था,
आज वह उछाले मार रहा है, तो किन कारणों से? हमने केवल उसको तकनीक के साथ जोड़ा, हमने उसको मार्केट दिया, और मार्केट देने के साथ हमने उसको अच्छी पैकेजिंग के साथ जोड़ दिया। एग्जीबिशन लगाते हैं, प्रमोट करते हैं, वहां तक जाने का किराया देते हैं, उनके रहने की खाने की व्यवस्था करवा देते हैं, किराया दे देते हैं, उछल पड़ता है, उसकी बिक्री होती है। अभी एक वर्ष पहले की घटना है, गोरखपुर का टेराकोटा का, औरंगाबाद के कुछ लड़के लखनऊ गए थे, मैं दीपोत्सव में अयोध्या जा रहा था, तो उससे 2 घंटे पहले मुझे जानकारी मिली कि यहाँ एग्जीबिशन लगी है, गोरखपुर से भी कुछ लोग आए हैं, तो मैंने कहा बुलाऊं, तो मेरे पास एक दीप स्टैंड मिट्टी का बना हुआ दीप स्टैंड लेकर के आ रहा था। तो टेराकोटा तो मैं तो औरंगाबाद जाता ही था पहले से, देखता ही था, संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी क्या बिक्री विक्री कुछ हुई? उसने कहा सब बिक्री। तो मैं मानता था 25-30 हजार की बिक्री हुई की बेचारे की, क्योंकि इससे ज्यादा मिट्टी के सामान कितने बिकेंगे। उसने कहा साहब 3 दिन में मुझे 8 लाख का प्रॉफिट हुआ है। गोरखपुर में मिट्टी का सामान, टेराकोटा का सामान बनाने वाला व्यक्ति 3 दिन में 8 लाख का मुनाफा कमाता है। मुनाफा कमाने का होता 24-25 लाख का सामान बेचा होगा, और लखनऊ में बिका उसका सामान। अभी मैं फिर लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस के दिन लखनऊ में मैं गया था, वहीं का एक दूसरा कारीगर मुझे मिला, वह भी अपने एग्जीबिशन के साथ वहां पे था। क्या अच्छी आइटम बना के रखते हैं। आज हमने उनको तकनीक किसके बस, क्यों तकनीक दी, मैनुअल चार्ज की बजाय इलेक्ट्रिक और सोलर चार्ज दे दिए, स्पीड बढ़ गई, मार्केट दे दिया, पैकेजिंग के साथ जोड़ दिया। परिणाम क्या है कि उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। ऐसे ग्लास का है, ऐसे ब्रॉस का है, ऐसे अन्य आइटम को उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ी गति दी, परिणाम क्या है, अकेले मुरादाबाद में ब्रॉस एकदम बंदी के कगार पर था, लोग प्लान कर रहे थे, हताश थे, निराश थे। मैं गत वर्ष वहां गया था इनके साथ बैठक लेने के लिए, 16,000 करोड़ रुपए का केवल एक्सपोर्ट होता है वहां का ब्रॉस का आइटम इस समय 16,000 करोड़ रुपए। भदोही में गया था, भदोही की कालीन 12 से 13 हजार करोड़ रुपए की वहां बिक्री होती, दुनिया के अंदर जाती है 12 से 13 हजार करोड़ की कालीन हर वर्ष जाती है। थोड़ा प्रमोशन प्रमोट किया सरकार ने, उसको एक मंच दिया, तो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को, स्थानीय उत्पाद को प्रमोट करके स्थानीय स्तर पर जो हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी जिसे बनाता है, उससे रोजगार का सृजन भी होता है, और इसका लाभ हमें कब प्राप्त हुआ? कोरोना काल खंड में 40 लाख लोग वापस आ रहे थे, कारीगर, कामगार, मजदूर, श्रमिक वापस आ रहा था, कहां काम दे, क्योंकि तमाम राज्यों ने तो उनके साथ जो व्यवहार किया था वो किसी से छुपा हुआ नहीं, और अकेले उत्तर प्रदेश था जो कह रहा था कि नहीं हम अपने लोगों को संभालेंगे, हम खड़े हुए और उन 40 लाख लोगों को सम्मानजनक ढंग से प्रदेश के अंदर लाए, उनके गांव तक पहुंचाए, और हम लोगों ने कहा कि ज्यादातर लोगों को काम दे दो। ओडीओपी योजना के अंतर्गत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत, या एमएसएमई यूनिट के अंदर हम लोगों ने उनको उनके साथ समायोजन करना प्रारंभ किया, परिणाम क्या था, ज्यादातर लोगों को रोजगार मिला। अगर सरकार पहले से तैयार नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो स्थानीय उत्पाद को प्रमोट करके हम एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, स्थानीय कारीगर को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, कारीगरों को प्रोत्साहित करके नया मंच दे सकते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आत्मनिर्भर भारत की ही योजना है, या फिर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2019 में हम लोगों ने प्रारंभ की थी, तो आज पीएम विश्वकर्मा के रूप में पूरे देश के अंदर लागू हुई। तो पहला प्रण प्रधानमंत्री जी का क्या था,
आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर, आत्मनिर्भर भारत, हम सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा देश आत्मनिर्भर। दूसरा पूर्ण था उनका गुलामी के अंश को समाप्त करना। ये यूरोप का है, ये अमेरिका का है, ये कनाडा का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये फलानी जगह का है, ये अच्छा होगा, और ये भारत का है, ये गोरखपुर का है, ये वाराणसी का है, या लखनऊ या प्रयागराज का है, ये अच्छा नहीं होगा। इस मानसिकता से उभरना, ये मानना हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा और दूसरे का अच्छा नहीं होगा। अगर हम इस दिशा में कार्य प्रारंभ करेंगे और उसके अनुरूप प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना, उसके अनुरूप प्रोडक्ट के लिए ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, या किसी भी दिशा में आप आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे, परिणाम आएंगे। गुलामी की मानसिकता से सर्वथा मुक्त होगा। तीसरा, विरासत पर सम्मान का भाव होना, अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं, हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का भी तो प्राण प्रतिष्ठा का, पुनः प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ, पर भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है, दुनिया जुड़ी है, दुनिया अद्भुत है, लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में ज्ञानवापी में ये साई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये साई की रिपोर्ट क्या बताती है, बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। लेकिन उस विरासत पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय आपको उपलब्ध कराया था, हम आजादी की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखे, देश को आजाद होते समय हम नहीं देखे, लेकिन जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, हर घर तिरंगा के माध्यम से हम इस महोत्सव में सहभागी बने थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने लड़ाई की थी। हमने उस दौरान आजादी के अपने उन पत्तों को, जो राष्ट्रनायक थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस समय के क्रांतिकारी थे, या जिन्होंने देश की आजादी के पहले आजादी के आंदोलन में सहभागी बनकर इस लड़ाई में नेतृत्व प्रदान किया था, या आजादी के बाद भारत की सुरक्षा करते हुए भारत के रक्षा बलों में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस बलों में अपनी सेवाओं के माध्यम से देश को सुरक्षा दी थी, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रदान की थी, उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करेंगे। उनके स्मारकों का सुंदरीकरण हुआ, हम लोग गए, उनपे शोध हुआ, उनपे कार्य हुआ, ये चीजें उस समय प्रारंभ हुई। तो विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज है, केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है, और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो चौथी बात आपके लिए की थी, पूरे देशवासियों के लिए की थी, कि हम अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति तो करें, लेकिन फूट डालने वाले तत्वों से सावधान भी रहें, एकता और एकात्मता की चर्चा भी करें, उसको लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़े, अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें, सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान का भाव, अपने अपने मन में सम्मान की भावना रखें, क्योंकि जो लोग विकास नहीं चाहते हैं वे विभाजन करना चाहेंगे, जो नहीं चाहेंगे कि भारत विकसित देश हो, आत्मनिर्भर हो, वे आपस में फूट डालने का काम करेंगे।
लड़ाएंगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, तमाम अन्य बातों के आधार पर। इसकी कीमत किस रूप में हमने चुकाई थी? उत्तर प्रदेश इसका जागता जाता जीता जागता उदाहरण है। पहचान का संकट था उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ, जाते थे कहीं बाहर अपनी पहचान छुपाते थे। आज पहचान का संकट नहीं है, आज उत्तर प्रदेश पहचान का संकट नहीं है। हम लोगों को देखना होगा फूट डालने वाले तत्वों से सावधान होना, इसलिए एक और एकात्मता की चर्चा करना। और अंतिम प्रण जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वह है नागरिक कर्तव्य। एक नागरिक के रूप में मेरा दायित्व तो क्या है? हम अधिकार की चर्चा तो करते हैं, लेकिन अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य क्या है? उन कर्तव्यों के बारे में ज्यादा आगाह होना। पहले कर्तव्य होगा, फिर उसके बाद अधिकार। उल्टा ना करें, पहले अधिकार और फिर कर्तव्य नहीं, पहले कर्तव्य फिर अधिकार। एक नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य क्या है? पहले देश, तब अंत में मैं। पहले देश, नेशन फर्स्ट। ये पंच प्रण का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का देशवासियों के लिए इसी बात को लेकर। हमने स्मार्टफोन और टैबलेट की व्यवस्था इसीलिए प्रारंभ की, इसके माध्यम से अपने युवाओं को हम लोग तकनीकी रूप से सक्षम भी बना सकें, और साथ साथ केंद्र और राज्य शासन की युवाओं से जुड़ी हुई योजनाओं के साथ भी जोड़ सकें। आप अपने परंपरागत पाठ्यक्रम से तो अपनी शिक्षा अर्जित करें ही, लेकिन अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अभ्युदय कोचिंग की भी ऑनलाइन व्यवस्था मौजूद है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म आपके लिए। आप इसके बाद कुछ कार्य करना चाहते हैं तो कौन सी योजना आपके लिए अच्छी हो सकती है? पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंडअप की योजना, पीएम मुद्रा की योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना, कौन सी ऐसी स्कीम हो सकती है जो आपको आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर सकती है? अभी जानने का एक अवसर आपके पास इसके माध्यम से प्राप्त होगा। बालिकाओं के लिए भी बहुत सारी स्कीम उसके साथ जुड़ी हुई है, हम उसको देखें और हमारी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, हम अपने संस्थानों को केवल इसका माध्यम न बनाएं कि हमारे विश्वविद्यालय या हमारे संस्थान केवल डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट देने के माध्यम ही न बने, बल्कि बच्चों को वास्तविक ज्ञानवान बनाने का प्रयास भी करें। शिक्षित बनाना एक कार्य है, वह आप कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानवान तब बनेगा जब वह व्यावहारिक धरातल पर उतर करके उसका अनुभव करेगा। केंद्र या राज्य सरकार अपनी कोई स्कीम बनाती है, जैसे गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना बना, या गोरखपुर में एम्स बना, या गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बनता है, या गोरखपुर में कोई बड़ा उद्योग लग रहा है। जितने बड़ी स्कीम बनती है तो इससे पहले इसकी एक सोशल इंपैक्ट स्टडी होती है, वहां की सामाजिक, वहां की जैव पारिस्थितिकी की, वहां के अन्य परिस्थितियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। बहुत सामान्य अध्ययन होता है, 4-5 महीने का समय लगता है, एक डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, बहुत सारे सब कुछ पहले से मौजूद है। थोड़ा सा प्रयास करना है और उस स्टडी को फिर प्रस्तुत कर देना, फिर उस पर चर्चा होती है, तब वह स्कीम, वह प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाता है। होता क्या है, इसमें
दुनिया की और देश की कुछ कंपनियों की मोनोपोली है। लंबी फीस लेते हैं, लंबा समय लेते हैं, बहुत सारे लोग तो दिल्ली और मुंबई से बाहर नहीं निकलते, वहीं बैठे बैठे अध्ययन कर लेते हैं, फीस ले लेते हैं। हमारा कहना है क्या ये स्टडी हमारे संस्थान नहीं कर सकते, हमारे विश्वविद्यालय नहीं कर सकते, हमारे शिक्षक और हमारे छात्र मिलकर के स्टडी को लेंगे तो विश्वविद्यालय की भी अतिरिक्त इनकम बढ़ेगी और साथ साथ छात्रों को भी कुछ मानदेय उसके माध्यम से स्कॉलरशिप के माध्यम से उपलब्ध किया जा सकता है। गरीब छात्रों को एक अतिरिक्त रूप से आर्थिक रूप से मजबूत करने में वो मदद कर सकती है, लेकिन हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। या अपनी शिक्षा के साथ साथ अपनी डिग्री के साथ साथ बहुत सारे कार्यक्रम सरकार के ऐसे हैं, जैसे हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की कि कोई छात्र अध्ययन कर रहा है, अध्ययन के दौरान वो फाइनल ईयर में उसको अपना कोई प्रोजेक्ट सबमिट कर रहा है, आवश्यक नहीं कि प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए वह केवल एक लिखित प्रोजेक्ट बना करके तय कर ले, वो जुड़े ना किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े, इंस्टीट्यूशन है किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े,